नमस्कार, एक मुलाकात हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। किसी विषय की पढ़ाई कर उसमें महारत हासिल करना तो सभी चाहते हैं, अगर उसमें ही आपको गोल्ड मेडल मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। जी हाँ, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे ही छात्रा रेनी अग्रवाल से, जिन्होंने पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में 85% के साथ बायो साइंस में टॉप किया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा उनका पढ़ाई का सफ़र और आगे क्या सोचती हैं वो अपने करियर को लेकर। रेनी जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। थैंक यू। रेनी जी, शुरुआती दौर में पढ़ाई का सफ़र आपका कैसा था? आपका मन पढ़ाई में लगता था कि अदर एक्टिविटीज़ में आप जाना चाहती थी? नहीं, मैं शुरू से ही पढ़ाई में ही जाना चाहती थी। मैंने हर क्लास में मैंने फर्स्ट रैंक अचीव किया है एंड मुझे स्टडीज़ का बहुत शौक है। तो शुरू से ही आपकी ये सोच थी कि मुझे बायो लेके ही पढ़ना है कि अदर सब्जेक्ट में भी आपकी रुचि थी? नहीं, मुझे शुरू से ही बायो में बहुत इंटरेस्ट रहा है। 11th 12th भी मैंने बायो में ही पढ़ा, बायो ही लिया था और बीएससी भी प्लेन बीएससी था। एमएससी में भी मैंने बायो साइंस चूज़ किया है। गोल्ड मेडल हासिल करना ये तो बहुत बड़ी बात होती है, तो आपने पढ़ाई के लिए किस तरीके से अपने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसके द्वारा आप पढ़ाई करती थी और आज आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है? ऐसा है कि रेगुलर स्टडी अगर आप किसी भी चीज़ की करें तो उसको जो आप सोचते हैं उसको अचीव करना इजी हो जाता है। तो मैंने रेगुलर स्टडीज़ की है, मैंने गैप नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं ली। तो बीच बीच में पढ़ाई से अलग हटकर आपने कुछ अदर एक्टिविटीज़ जो माइंड को रिफ्रेश करे ऐसा कुछ काम किया? म्यूज़िक एंड फ्रेंड्स, बस। आपके इस इतने बड़े अचीवमेंट में सबसे ज़्यादा किसका सहयोग रहा आपके साथ? इस अचीवमेंट में सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे मेरी मम्मी का रहा। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ में, और मेरे टीचर्स। मैंने एक डेजर्टेशन वर्क भी किया इसी एमएससी में डॉक्टर एके पति के अंडर में, तो वो भी बहुत अच्छे मेंटर है, बहुत अच्छे टीचर है। और मेरे फ्रेंड्स, वो लोग भी मुझे हर टाइम बहुत सपोर्ट करते थे। जब भी मैं डिप्रेस्ड रहती थी तो दे हेल्प मी अलॉट। तो अब आगे क्या करना चाहती हैं आप? आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, उनको भी मतलब कि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर। अपने जूनियर्स को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं बायो साइंस की, उनको कुछ ऐसा टिप्स देना चाहते हैं जिससे कि वो भी उन टिप्स को फॉलो करके ऐसा एक गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकें? हाँ, सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उसे रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं तो इट विल बी इजी टू अचीव अ गोल्ड मेडल। दैट इज़। तो किसको थैंक यू बोलना चाहते हैं आप? थैंक यू टू माय मम्मी, माय टीचर्स, माय फ्रेंड्स। आजकल के यूथ के लिए, आजकल जो यूथ हैं उनके लिए आपका कोई संदेश? वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच रेनी जी कि आपने अपना समय दिया, और हमें बहुत प्राउड है कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ऐसे ही हम चाहते हैं, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें और ऐसे ही हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते रहें। इसी प्रकार के हमारे देश और हमारे प्रदेश से जुड़े नए नए छात्रों से, उनकी नई नई तकनीकियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.